हिंदुइज्म में मंदिर की जगह क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है हिंदुइज्म में मंदिर की? देखिए, हिंदुइज्म तो एक बहुत विशाल रिलीजन है, विशाल धर्म है। इसमें अलग अलग प्रकार से मंदिरों की कल्पना है। वैसे आपको बता दूं, 5वीं शताब्दी के पहले मंदिरों की कल्पना नहीं थी, और ये मंदिरों की कल्पना बाद में आई। और जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, आर्य समाजी, वो लोग तो इस प्रकार की चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तो हिंदुइज्म कोई एक नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक तो ये है कि भाई, मंदिर आपका आपके अंदर ही है, भगवान आपके आपके अंदर ही है, ये कल्पना है। दूसरा, मूर्ति में भगवान है। और तीसरा, जिस प्रकार से पूरी आम धारणाएं हैं, उस तीनों चारों प्रकार की धारणाओं में हिंदुइज्म में स्थान है। जैसे आप देखेंगे, महात्मा गांधी अपने समय के सबसे बड़े हिंदू थे, सबसे थे, पर वो कभी मंदिर वगैरह में ज्यादा जाते नहीं थे। ज्यादा लोगों के बीच में ही सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से अपने आराध्य देवता को याद करते थे, ईश्वर को याद करते थे। जी, उसी तरीके से हम नेहरू का भी देख सकते हैं। आजकल उस बात की भी काफी चर्चा होती है कि जिस तरीके से उन्होंने जी डिक्लाइन किया था जो सोमनाथ में जो मंदिर बनने वाला है। तो नेहरू का देखिए, दो धरातल पे बात की जा सकती है। एक तो वो एग्नोस्टिसिज्म के काफी करीब थे, ईश्वर के बारे में उनकी कल्पना बहुत क्लियर नहीं थी, पर वो भारतीय संस्कृति की बहुत इज्जत करते थे। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी चीजें हैं, अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक एक करके उन्होंने पूरे आदरपूर्ण तरीके से ये सब चीजों को बताया है। पर दूसरी तौर से वो राज्य सत्ता को धर्म से नहीं जोड़ना चाहते थे। जो आपने भाई सही कहा, सोमनाथ मंदिर का जब पहले बनाना हुआ, तो उस समय कई लोगों ने कहा कि सरकार इसको बनाए, क्योंकि एक विदेशी ने इसको तोड़ा था। ये गलत समझ है कि विदेशी ने, उस समय देश विदेश की तो कल्पना थी नहीं, राजा लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, तो एक विदेशी ने तोड़ा है तो सरकार इसको बनाए। तो नेहरू लिखते हैं कि वो और सरदार पटेल इस बात को लेके महात्मा गांधी के पास पहुंचे। महात्मा गांधी ने कहा, ये मंदिर बनाना कोई सरकार का काम नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा। और नेहरू इस पे लिखते हैं, फिर बाद में मंदिर बन के तैयार हुआ, या जब भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, वो जाना चाहते थे, तो कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया कि प्रेसिडेंट के रूप में आप मत जाइए। तो नेहरू की वो ओपिनियन थी कि एक ऑफिशियल पोजीशन, जो आपकी पद है, तो सरकारी पद पे अगर आप हैं, तो आपको धार्मिक मामलों में नहीं उलझना चाहिए। तो ये अभी तक थी, पर अब जब से ये दूसरी सरकार आई है, ये तो धर्म के नाम पे ही चारों तरफ से राजनीति है। इसका पूरा तौर तरीका उससे उल्टा ही है, जो हमारे संविधान का रास्ता है। जी, अगर हम 6 दिसंबर 1992 की बात करें, तब तक वहां पर बाबरी मस्जिद थी। क्या क्या वहां पे मंदिर थे, ऐसे अवशेष मिलते हैं? आर्कियोलॉजी सर्वे क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसमें तो बहुत सारे दावे किए गए हैं। वहां एक काले पत्थर के पिलर्स मिले थे, जो कहा गया कि भाई ये तो मंदिरों के अवशेष हैं। सार में अध्ययन किया गया तो काले मंदिर के जो अवशेष थे वो 10वीं शताब्दी के थे, कुछ 11वीं शताब्दी के थे, 5 फुट लंबे थे। 5 लंबे थे यानी वो तो स्ट्रक्चरल हो नहीं सकते, वो तो डेकोरेशन सजावट के लिए रखे गए हैं। और ये सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया, और आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिलता, जी और वहाँ जो खुदाई की जो चीज़ें मिली थी, वो कांच के बर्तन, ग्लेज टाइल्स, कांच की चूड़ियाँ, इस प्रकार की चीज़ें मिली थी, जो मुस्लिम बसाहटों में, जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, उसमें जिस प्रकार की चीज़ें हैं वो मिली थी। बाद में वहाँ बुद्ध विहार के भी अवशेष मिले। तो राम मंदिर के होने का सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सब तथ्यों को देखकर उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पहले कोई राम मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। ये सब जी आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व ऐसे के सिद्धांत। करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप कहीं मंदिर थे, तो जो पिलर्स थे, पिलर्स में न कमल है, न कमल है, न पद, ये जो ओम जो भी निशानी होती है हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की निशानियां नहीं नहीं थी। थी, नहीं थी। और वो पत्थर वहाँ वहाँ से 1 किलोमीटर दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी उस प्रकार के पिलर्स देखे गए थे। तो उसके आधार पे कहना कि ये
एक मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, ये गलत है। अगर हम रामायण की बात करें, राम की कहानी, जो ये सारी कहानी है, क्या ये यथार्थ है, यथार्थ के नजदीक है, इतिहास है, मिथिहास है? आप राम की कहानी को कैसे देखते हैं? देखिए, राम की कहानी मेरे ख्याल से दक्षिण एशिया में सबसे लोकप्रिय कहानी, और ये कहानी जब गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम की कहानी को अवधी में लिखा, बड़ी बोली में लिखा, उसके बाद लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गई। और उसी के साथ ये भी बताऊं कि केवल भारत में नहीं, दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश भगवान बहुत लोकप्रिय। और एक रामानुजन एक इतिहासकार थे प्राचीन भारत के, उन्होंने एक निबंध लिखा था 300 रामायण और 3 देश। वो निबंध में उन्होंने बताया कि रामायण की कहानी को एक नहीं, उसमें अलग अलग प्रकार की रामायण की कहानियां हैं। जैसे थाईलैंड की रामायण की कहानी में हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं है, जो यहाँ के रामायण का मुख्य मुद्दा है, वगैरह वगैरह ऐसे प्रकार के। तो एक जो इतिहास की, यानी ये तो पूर्व इतिहास की बात हो गई ना, त्रेता युद्ध की बात कर रहे हैं, ये तो इतिहास के पूर्व की बात है। तो ये एक माइथोलॉजी बहुत गहरे तरीके से प्रचलित है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक पौराणिक कथा है जो बहुत से लोगों के मन में बसी हुई है, पर इतिहास और माइथोलॉजी में फर्क होता है। इतिहास के लिए आपको सबूत चाहिए, उस समय की लिखावट चाहिए, उस समय के सिक्के चाहिए, उस समय के दीवारों पे जो निशान है वो चाहिए, वो रामायण की कहानी में नहीं मिलते। जैसे वाल्मीकि ने पहले लिखी संस्कृत में, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखी, पर उसमें किसी प्रकार का कोई कहते हैं हिस्ट्री में साइटेशन आप सबूत देते हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ उसका सबूत ये है, मैं ये बात बोल रहा हूँ उसका ये सबूत नहीं है। तो ये दोनों एक महाकाव्य ग्रेट एपिक के रूप में लिखे गए हैं, तो उसको इतिहास मानना थोड़ा सा मुश्किल है। खास तौर पे अगर हम देखें, अगर उस दौर की बात करें, जिसे राम राज्य कह रहा है, जिसे बीजेपी बहुत प्रचार रहा है, उस राम राज्य में अगर आज के दलितों की, ओबीसी की, औरतों की, या काम करने वाले, कृत करने वाले लोगों की स्थिति क्या थी? देखिए, ये चीज के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने लाया, उनकी जो किताब है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, उसमें इन्होंने राम और के बारे में लिखा है। तो ओबीसी के बारे में लिखते हैं कि ऐसे राम ने बालिक का वध किया, पीछे से वार किया, यानी सामने से भी उनसे लड़ाई नहीं की, पीछे से छुपकर उनको उनको मारा। फिर शंबूक तपस्या कर रहा था, तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसको मेंटेन करने के लिए सरकार उस समय की राज्य व्यवस्था काम करती थी, तो शंबूक को भी उन्होंने मारा। और तीसरा, स्त्रियों की स्थिति देखना है तो ये बात है कि सीता माता की अग्नि परीक्षा ली गई, और जब वो गर्भवती थी, लोगों ने उन पे उंगली उठाई उनके चरित्र पे, तो उनको वनवास कर दिया गया। तो इससे पता चलता है कि उस समय के स्त्रियों की हालत क्या थी, दलितों की हालत क्या थी, ओबीसी की हालत क्या थी। ये 3 चीजें अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अंडरलाइन की है, रेखांकित की। एक बात ये भी कहा जाता है कि ये जो कहानी है, रामायण की जो कहानी है, ये और बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे होमर की इलियड है, और इस तरीके के सारे उनसे बहुत मिलजुल खाते हैं कि वहां के करेक्टर हैं और वो कहानी आगे आगे जैसे चलती है, इधर एशिया की तरफ आते हैं तो यहाँ के करेक्टर आ जाते हैं। क्या इस बात में भी सच्चाई है? देखिए, वैसे तो रामायण और महाभारत बहुत बड़े महाकाव्य हैं, और पर ये जो इलियट की होमर है और दूसरी चीजें हैं, इसमें कई समानताएं हैं। मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि जी जो हमारी माइथोलॉजी होती है उसमें भी बहुत समान है। ग्रीक माइथोलॉजी को आप देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो हमारे यहाँ के देवी देवताओं से मिलते जुलते हैं। उसमें एक बाकस है, एक वो क्यूपिड है, और ऐसे मुझे 2-3 याद है, मुझे तो पूरी माइथोलॉजी ज्यादा पता नहीं है, पर ऐसा कई चीजें हैं जो उस समय की इधर की उधर की मिलती जुलती है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को कॉपी किया, पर आप लोगों की कल्पना उस प्रकार की चलती थी, जिसके चलते इस प्रकार की कहानियां बनी हुई। अगर हम आज की बात करें, बीजेपी किस तरीके से रामायण को, राम को कैश करने की कोशिश कर रही है, वो उनको जो रामायण फिट बैठ रही है, वो किस तरीके से उसको कैश करने की कोशिश कर रही है?
देखिए, बीजेपी का मुख्य मुद्दा जो है वो भारतीय संविधान का नहीं, उनका मुख्य मुद्दा हिंदू राष्ट्र का है, और हिंदू राष्ट्र के लिए मुद्दों को खड़े करते हैं। मंदिर का मुद्दा खड़ा किया गया, हर चुनाव के समय इसको इस्तेमाल किया गया, भावनाओं का उद्रेक पैदा किया गया, गांधी नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पे, कोरोना जिहाद के नाम पे उन्माद पैदा किया गया, और अभी उम्मीद पैदा कर रहे हैं मंदिर के नाम पे कि राम, भगवान राम आ रहे हैं, स्वागत करो, चलो मंदिरों में जाओ, दीप जलाओ, और ये सब चीजों का भी एक बड़ा, तो ये उनके लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का काम है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी अभी आगे चुनाव आ रहे हैं, अभी तक भी उन्होंने भगवान राम का इस्तेमाल हर चुनाव में किया है। आप अगर देखेंगे तो हर चुनाव में पहले बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात, तो कि भाई हम तो मंदिर बनाने वाले हैं, वो अभी मंदिर बन रहा है तो उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये धार्मिक कार्यक्रम ना होकर एक राजनीतिक कार्यक्रम है, और ये आने वाले चुनाव को, जैसे अभी तक भी वो चुनाव में इस मुद्दे का इस्तेमाल करती रही है, और आगे आने वाले चुनाव में भी इसी मुद्दे का वो इस्तेमाल करना चाहती है, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से बीजेपी ये पेश कर रही है कि इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया, मोदी ही भारत है, क्या ऐसा है कि सब मोदी के साथ है? जिस तरीके से शंकराचार्य के बयान आए हैं, या कुछ और हलकों में भी इस बात का विरोध हुआ कि अधूरे मंदिर का जो है वो उद्घाटन नहीं कर सकते, क्या सब कुछ उस बीजेपी की वे देखिए, में जा रहा है, या बीजेपी को कुछ अभी अपोजिशन भी मिल रहा है इस मुद्दे के? जहां तक बीजेपी का सवाल है, 5 शंकराचार्य तो उनका विरोध कर रहे हैं, प्रगतिशील ताकतें उनका विरोध कर रही हैं, गैर हिंदू लोग इसके बारे में चुप हैं, कोई इसका विरोध तो कर नहीं सकता। पर उनका मोदी जी हो रहा है कि पूरा मीडिया मीडिया सोशल मीडिया टेलीविजन मीडिया ये उन ताकतों के जो सांप्रदायिक राजनीति का लाभ उठाना चाहते हैं, जिनकी पूरी राजनीति सांप्रदायिक आधार पर चलती है। तो और ये देखिए, जहाँ भी धर्म के नाम पे तानाशाही लाई जाती है, धर्म के नाम पे तानाशाही लाई जाती है, वहाँ एक व्यक्ति को कैरिस्मेटिक, उसका करिश्मा, कि भाई ये करिश्मा ही व्यक्ति है जो आपके सब मुद्दों को हल कर देगा, सर्वशक्तिमान है, लोग तो उसको उनको अभी अवतार बोलने लग गए हैं कि भाई ये तो भगवान का अवतार है जो आपकी आपके उद्धार के लिए आया है, और ये प्रोपोगेंडा की ताकत है, प्रोपोगेंडा की ताकत है। और वो राजनीति जो लोगों के मुद्दों को लेके नहीं चलती, वो राजनीति इस प्रकार का डिक्टेटर चाहती है। आप बहुत सारे देशों में देखिए, जहाँ भी लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की बात आती है, तो एक तरफ लोकतांत्रिक अधिकार दबाए जाते हैं, दूसरी तरफ एक डिक्टेटर को प्रमोट किया जाता है। 2002 के पहले मोदी का करिश्मा नहीं था, 2003 के बाद मीडिया धीरे धीरे उन्होंने उनके साइड में हो गया, कॉरपोरेट वर्ल्ड भी उनके साइड में हो गया, तो आज उनका करिश्मा इतना है कि सोशल मीडिया आ गया, आईटी सेल आ गया, पूरे अखबार ज्यादातर उनके गुणगान कर रहे हैं, और आप टेलीविजन का कोई भी चैनल खोलिए तो वही आपको दिखेगा। तो ये एक तरीका है इस प्रकार की राजनीति, जो लोकतंत्र नहीं चाहती, एक तंत्र चाहती है। और ये ट्रेवल भी हो रहा है आपको लगता है, जैसे नवीन पटनायक की बात कर ले या अरविंद केजरीवाल की बात करें, जिस तरीके के वो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं मंदिर के या सुंदर पाठ करवाने के, क्या ये ट्रेवल कर रही है? ये कितना खतरनाक लग रहा है आपको? देखिए, पूरी जो राजनीति का ध्रुव है, सेंट्रल पॉइंट, वो धार्मिकता की तरफ झुकाया जा रहा है, धार्मिकता की तरफ झुकाया जा रहा है। इसलिए केजरीवाल ने पहले भी कहा था, 500 के नोट पे लक्ष्मी का फोटो लगाओ, अभी वो इसी दबाव में आके कह रहे हैं कि जगह जगह सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, और दूसरे कई नेताओं को भी लगता है कि हम ये करेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और लोग इनको क्यों वोट देंगे जब उनके पास असली सांप्रदायिक ताकत है, तो इनके साथ क्यों आएंगे। अभी मध्य प्रदेश में देखिए, कमलनाथ, कमलनाथ ने कितना जोर शोर से वो एक बागेश्वर बाबा का की भक्ति किया, फिर दूसरा राम राम करते रहे और गड्ढे में गिर गए। क्योंकि सवाल यह है कि ये आप अगर इन लोगों की कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, तो वो आपको कोई वो एक तो सही बात नहीं है, आप लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतांत्रिक पार्टियों में धर्म के पचड़े में पड़ना नहीं चाहिए, धर्म को धार्मिक लोगों के पास छोड़ देना चाहिए, आप अपने धर्म के रास्ते पे पढ़िए। केजरीवाल आप हैं, घर में आप हनुमान चालीसा करते हैं, नो प्रॉब्लम,
पर आप उसका सार्वजनिक करते हैं कि भाई मैं दिवाली पूजन करूंगा, सब लोग मेरे साथ आइए, तो ये कोई राजनीतिक तरीका नहीं है जो मोदी कर रहे हैं, केजरीवाल जैसे लोग जो उनकी नकल कर रहे हैं, पुअर कॉपी, पुअर कॉपी, ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। एक डॉक्टर साहब, जैसे मोदी और बीजेपी का जो प्रचार हम देख रहे हैं उसमें रामलला का जिक्र बहुत ज्यादा आ रहा है कि रामलला आएंगे ना, उसमें राम राज्य का उस तरीके से जिक्र नहीं है। क्या इसकी वजह नरेंद्र मोदी की खुद की ओबीसी पहचान है? आप मेरा सवाल समझ पाए? देखिए देखिए, राम राज्य का कहीं कहीं जिक्र कर रहे हैं, पर राम राज्य की परिभाषा हर एक की अलग होती है। राम राज्य की, गांधी भी राम राज्य की बात करते थे, पर गांधी का राम राज्य वो था जो लाइन के आखिरी व्यक्ति के आंसू पोंछने की बात करता था, सब लोगों की समृद्धि की बात करता था। और ये मोदी की जो नीतियां हैं वो समाज में गैर बराबरी पैदा कर रही हैं। ऑक्सफर्म की रिपोर्ट देखिए, 1% लोगों के पास 60% प्रॉपर्टी है और बाकी 60-70% लोगों के पास 2-3% प्रॉपर्टी है। गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। ये तो गांधी का राम राज्य और मोदी का राम राज्य, इन दोनों में एकदम जमीन आसमान का फर्क। ये केवल राम राज्य का लेबल लगाने से वो चीज नहीं आ जाती जो गांधी जी ने हमको बताने की कोशिश की। क्या जरूरत है हमारी राजनीति को, आज हमारे देशवासियों को, कि हम एक बेहतर देश बन पाए, उन्नति कर पाए? क्या हमें राम मंदिर की पॉलिटिक्स चाहिए या फिर हमें कुछ और करना चाहिए? देखिए, हमको एक बेहतर देश बनना है तो जिनको राम मंदिर का पॉलिटिक्स करना है उनको करने देना चाहिए, उसका विरोध करके आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। हमें जरूरत है कि हम लोगों की समस्याओं के चारों तरफ आंदोलन खड़े करें। जैसे किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ था, शाहीन बाग का हुआ था, उसमें आप, मेरी तो ये भी राय है कि अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, ये लोगों के मुद्दे को सामने ला रही है। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, लोगों के बीच में जो दुराव पैदा हुआ है उसको दूर करना, लोगों को नजदीक लाना और एक प्रकार से जनता के सवालों को उठाना, आज जरूरत इस प्रकार की राजनीति की है जो लोगों के मुद्दे के आधार पे आंदोलन करे, लोगों को साथ में लाने के लिए यात्राएं निकाले, लोगों को संविधान को लोकप्रिय बनाने के लिए संविधान के मूल्यों के आधार पे काम करे और आम जनता के सवालों को लाए, वो इसका एक जवाब है। एक लंबी लकीर खींचने की हमको जरूरत है। जो ये राम मंदिर कर रहे हैं उसका विरोध करने में कोई विरोध तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके राम मंदिर में राम नहीं है, आप समझे, इनके मंदिर राम जी मंदिर में राम नहीं है, जी इनके बिल्कुल राम मंदिर में सत्ता है, इनके राम मंदिर में सत्ता है। तो हम लोगों के, लोगों को जरूरत है। आज आज ये कितने भुखमरी बेकारी के कारण दो नौजवान पार्लियामेंट में घुसकर पीली गैस छोड़ने भक्त से जी प्रेरित होके, तो मैं जी कहूंगा भगत सिंह वाली राजनीति की जरूरत है, जी अंबेडकर वाले सिद्धांतों की जरूरत है, महात्मा गांधी जैसे लोगों की जरूरत है जो लोगों को जोड़े। और उसके कुछ प्रतिबिंब मुझे भारत जोड़ो न्याय यात्रा टाइप, ये एक बात है, एक पार्टी की नहीं है, मुझे तो लगता है सब लोगों को उसमें आना चाहिए और ऐसी चीजें और ज्यादा होना चाहिए। जी कल हम लोग जनता की तरफ से सवाल उठाएं कि भाई हम बेकारी के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उन सब चीजों को सामने लाने की जरूरत है।